वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है कि अपने इस चैनल पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्टूडेंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है डी टी प्लस बी एग्ज़ाम के लिए और सी टेट एग्ज़ाम के लिए। इसमें अपने बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ में ओनली पीआरटी के दोनों पेपर के लिए, पैडोलॉजी और साइकोलॉजी, और दूसरा जो फर्स्ट पेपर है जिसमें पाँच सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग। इन पांचों सब्जेक्टों की बात करते हैं और साइकोलॉजी की बात करते हैं, जबकि टीजीटी और पीजीटी के ओनली फर्स्ट पेपर के लिए बात करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, इसलिए फर्स्ट पेपर तीनों का कॉमन है उनकी बात कर रहे हैं पहले। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और क्या कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे से आगे आपके लिए वीडियो बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज़, कि जिसमें हमने एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं 6, 7, 8, 9, 10 के, उनको अपने क्वेश्चनों में कलेक्ट करते हैं और क्वेश्चनों को मैं आपके सामने मतलब एक रिवीजन देता हूं कि आपका एनसीईआरटी की बुक भी अच्छी से क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसमें डेड जीके का नाम आता है तो एनसीईआरटी कभी भी पीछे नहीं हटती। मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से पुट होते हैं और वो भी एक अच्छे लेवल की बुक होती है, ऐसे घटिया लेवल की बुक नहीं है कि यार मतलब बिल्कुल टुच्चे से क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में, कहता है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले पांडुलिपि की बात करते हैं कि पांडुलिपि होती क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पांडुलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पढ़ना है। तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। बहुत पहले, ठीक है, हाथ से अपने इतिहास लिखते थे जितने भी इतिहासकार हुए हैं। आज तो अपने कहते हैं कि मल्टीमीडिया युग है जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, लेकिन बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, ठीक है, इतिहास को हाथों के द्वारा लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहते थे। तो ये बिल्कुल सही है, उसने पूछा है नहीं जो सही है, तो ये सही है। ये चार क्वेश्चन है स्टूडेंट, चारों क्वेश्चनों को मैंने एक ही क्वेश्चन में कलेक्ट कर रखा है ताकि आपका टाइम भी सेव हो और मुझे बनाने में भी मतलब सुविधाजनक रहे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं पीआरटी के लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा सिलेबस करवा के जाऊँगा। तो बिल्कुल सही है, ये अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं, ठीक है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का यूज किया जाता था। और जबकि मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द एक लैटिन भाषा के मैन्यू से बना है, किससे बना है, ये भी सही है, और ये मैन्यू से बना है। मैन्यू का अर्थ होता है हैंड, इट मीन्स हाथ, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं, केवल, केवल नहीं प्राप्त होती, ये प्राय कभी कभी प्राप्त हो जाती है, यहाँ केवल शब्द गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये और भी चीज़ों से प्राप्त हो सकती हैं, जरूरी नहीं मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं, ये ऑप्शन गलत है। और चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, काम का ही है क्योंकि सही है ये ऑप्शन, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काट कर, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काट कर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, पांडुलिपियाँ सदा मंदिरों और विहारों से नहीं प्राप्त होती, ये प्राय कभी कभी प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, इसमें कोई समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर डिस्क्राइब किया करो, जो चीज़ डिस्क्राइब करने के मतलब आवश्यकता है उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, अदरवाइज़ मैं आप उसको सीधा एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का प्राचीन क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले सहायक नदी क्या होती है, कि ऐसी मतलब एक बड़ी नदी जिसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं उसे सहायक नदियां कहते हैं। तो गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये मगध के नाम से क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मिक्स हैं स्टूडेंट इसके अंदर, तो अपने को विचार करना है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास है 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो कौन सा कथन सही है ये पढ़ना है स्टूडेंट,
ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के पास हुआ है, क्योंकि आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा होगा, लोथल पढ़ा होगा, सुरकोटड़ा पढ़ा होगा, बनवाली पढ़ा होगा, कालीबंगा पढ़ा होगा, ये सब क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो कि रावी सिंधु घाटी नदियों के क्या किनारे बसे हुए थे। आपने एक मोहनजोदड़ो फिल्म भी देखी होगी जिसमें लास्ट में सिंधु नदी में एक बाढ़ आती है और सब कुछ उसमें डूब जाता है, तो सेम की सेम कहानी सिंधु नदी के आसपास भी घटी हुई है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। 5000 वर्ष पूर्व नहीं स्टूडेंट, ये 4700 वर्ष पूर्व हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। तो ओनली केवल अपना एक ही क्वेश्चन सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। कहता है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सीधा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रहट क्या होता था। रहट का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है, मध्यकाल में। ये ओनली हिस्ट्री के चैप्टर हैं स्टूडेंट, हिस्ट्री के जो 6, 7, 8, 9, 10 से लिए गए हैं। हिस्ट्री अपनी जैसे ही कंप्लीट होगी फिर अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर अपने जो अपने भारतीय संविधान है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी हिस्ट्री के चैप्टर 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने गेन करेंगे इस वीडियो में। तो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे, तो ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी एसएससी कई एग्जाम में पूछा गया इसको, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। कहता है कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्रों जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया अर्थात पुरुष अथवा सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है, ठीक है। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्रों जिसमें भगवान विष्णु और को नरसिंह अवतार में दिखाया गया अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है। तो स्टूडेंट ये राष्ट्रकूट काल की कृति है, अब ये राष्ट्रकूट की बात कर गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है। तो स्टूडेंट कलहन एक राजकवि थे, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, तो ठीक है। इन्होंने राज ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था राज तिरंगणी, कौन सा राज तिरंगणी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का पूरा इतिहास था। तो क्वेश्चन क्या था, कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास मिलता है, तो ये कश्मीर के राजकवि थे तो कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखेंगे, और जो ग्रंथ था वो था राज तिरंगणी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान मोहम्मद गजनवी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों में प्रांतों के बारे में जानना चाहते थे। तो ये एक जर्नल सी बात है कि कोई भी राजा आक्रमण करता है तो अपने साथ एक कवि को लेकर आता है ताकि वो उसका इतिहास लिख सके, अच्छा इतिहास लिख सके और वहाँ के राज्यों के बारे में जान सके। तो इसी प्रकार मोहम्मद गजनवी भी अपने साथ एक कवि लेके आए थे जो कि उनका गुणगान कर सके और उनकी जीती हुई बातों को किताबों में लिख सके और उन राज्यों के बारे में बता सके थे। तो वो कौन से कवि थे, तो वो थे अलबरूनी, कौन थे, अलबरूनी। अब बात करता हूँ इब्न बतूता, अलबरूनी और जियाउद्दीन बिरदी, ये चार थे, इनमें से अलबरूनी लिए गए थे, ठीक है, जो मोहम्मद कौन लाया था, मोहम्मद गजनवी लेके आया था। और अगर अमीर खुसरो की बात करूँ तो अमीर खुसरो बहुत ही एक अच्छे श्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। ये थे हमारे 8 क्वेश्चन, लेकिन अपने कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातों की डिस्कस करते हैं, जैसे अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो एक बहुत 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 ज़्यादा एक अच्छे क्या थे, कवि थे, शायर थे, ठीक है। जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है, जितनी भी तारीफ़ कम करूँ, आगे मैं जो भी कुछ बोलूँगा, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड बोलूँगा, एक एक लाइन आप नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछी गई है और पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले अमीर खुसरो बहुत अच्छे कवि थे, एक शायर थे। तो दूसरी बात आती है ये किन राजाओं के साथ इन्होंने कार्य किया, तो दूसरी बात आती है इन्होंने किन राजाओं के साथ कार्य किया, तो स्टूडेंट इन्होंने 7 राजाओं के साथ कार्य किया था। सबसे पहले बलबन के साथ इन्होंने काम किया, दूसरी बात इन्होंने महमूद कैकुबाद के साथ कार्य किया, फिर इन्होंने जेके के साथ कार्य किया, जलालुद्दीन खिलजी के साथ, फिर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ कार्य किया, फिर इन्होंने मुबारक शाह खिलजी के साथ कार्य किया, ठीक है, फिर इन्होंने ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ कार्य किया और उस कार्य के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि थे, शायर थे, कितने राजाओं के सारे साथ इन्होंने कार्य किया है। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट कि कवि थे तो कवि की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, तो एक बहुत अच्छे एक श्रेष्ठ संत थे,
मतलब भगवान का एक फरिश्ता थे निजामुद्दीन औलिया, संत निजामुद्दीन औलिया, आपने नाम सुना होगा। एक नाम था कौन सा, ख्वाजू मुईदीन चिश्ती की दरगाह, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। वो भी अफगान से आए थे, वो भी उनको लेके आया था कौन, मोहम्मद गोरी लेके आया था त्राइन के द्वितीय युद्ध के समय, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, क्या क्या शानदार स्टोरी है उनकी भी। तो अमीर खुसरो थे, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, अपना गुरु मानते थे उन्हें, अपना गुरु मानते थे। और 8 साल की उम्र में उनके पास चले गए थे ये स्टूडेंट, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, शायरी कैसे की जाती है, कैसे बोला जाता है, बहुत कुछ। और इसी इनकी प्रभावशील चीज़ों के कारण इनको राज दरबार में एक बहुत अच्छा सम्मान मिला, कवि के रूप में, किनके, कवि के रूप में इनको सम्मान मिला। तो ठीक है स्टूडेंट, और एक बात और है, ठीक है, एक आप में से एक लड़का था कुलदीप कुमार, यूट्यूब है वो भी देखता है, कुलदीप कुमार अगर सुन रहे हो तो थैंकफुल। उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप जैसे बोलते हो इनको लिख भी दिया करो, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप देख सकते हो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एस्पिरेंट। लेकिन कुलदीप कुमार जी थैंक्स, आपके कारण बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो लिखी हुई है मैंने, आप देख लीजिए उसको, ये वो चीज़ें, ठीक है। अमीर खुसरो थे, 7 सुल्तानों के साथ कार्य किया था, ये सुल्तान दे रखे हैं बलबन, मोहम्मद, क्याकूबा, जे के जलाउद्दीन खिलजी, ए के अलाउद्दीन खिलजी, एम के मुबारक शाह खिलजी। तो ये खिलजी जो संप्रदाय था, जो खिलजी राजा वंश था, उनका अंतिम राजा था मुबारक जा खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी जो अभी चित्तौड़गढ़ पर फिल्म बनी थी रानी पद्मावती, वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने चित्तौड़गढ़ में एक साका करवाया था 1301 में, ठीक है, रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह, ठीक है, जिसमें 16,000 रानियों ने अपना क्या किया था, बलिदान दिया था, साका किया था, और राजा ने तो जौहर किया, राजा ने केसरिया किया था और रानी ने जौहर किया था, जिनको दोनों से साका कहा जाता है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अब बात आती है स्टोरी कैसे बढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो ये अफगान के क्या थे, निजामुद्दीन अफगान के एक बहुत अच्छे संत थे, भगवान के फरिश्ता थे, ठीक है। और ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने तुर्क अल्लाह के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, और इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी पुकारा जाता था, बहुत अच्छे शायर थे, ठीक है। लोगों से इन्हें तूतीय हिंद इसलिए कहा जाता था, ये लोगों से कहते थे कि आप मुझे हिंदवी में कुछ मर्जी पूछ सको, एक लैंग्वेज होती है हिंदवी, हिंदवी, तो मैं आपको सब कुछ ऐसी ऐसी अनुपम चीज़ें बताऊंगा कि आपने कभी सुनी नहीं होंगी। इस कारण ये तूतीय हिंद, जैसे तोता बोलता नहीं वैसे ये बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, तूतीय हिंद के नाम से बोला जाता है इन्हें, ठीक है। और एक और बात है, ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक थे ना, गयासुद्दीन तुगलक जो लास्ट राजा थे, ये निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी नफरत करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि जो अपने अमीर खुसरो हैं ये इनके शिष्य थे ना, तो ये किसी भी, अपने को पता है कि कोई भी राज दरबार कवि होता है वो राजा का गुणगान करता है अपनी कविताओं में, शायरी में। तो ये गुणगान पता कैसे करते थे, तो ये सबसे पहले कोई भी कविता या शायरी स्टार्ट करते थे तो वो निजामुद्दीन औलिया का मतलब आदर सत्कार करते थे उसके अंदर। तो ये बात उनको खटकती थी, किनको, गयासुद्दीन तुगलक को, कि भाई ये उसकी इतना आदर सत्कार क्यों करता है। तो ठीक है, एक टाइम ना निजामुद्दीन औलिया, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक और अमीर खुसरो कहीं बाहर गए हुए थे और दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली ना अभी काफ़ी टाइम था दिल्ली आने में, तो अमीर खुसरो को उसने, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप जाके निजामुद्दीन औलिया जी को एक संदेश भेजिए कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत मायूस हुए अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने ना जाते सारी वो उनसे पहले पहुँच गए और निजामुद्दीन औलिया के पास गए कि ये संदेश भेजा है, अब हम क्या करें, ठीक है। फिर एक उसने लाइन बोली थी निजामुद्दीन औलिया ने, और लाइन काफ़ी बार ये स्टेटमेंट पूछा गया, कुछ नहीं खुसरो तुम घबराओ मत, हनूज दिल्ली दुरुस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। कुछ नहीं खुसरो तुम घबराओ मत, हनूज दिल्ली दुरुस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये तो दिल्ली दूर है ना, ये रकोक्ति है, ये कौन किसकी जबान से निकली हुई है, संत निजामुद्दीन औलिया ने ये लाइन बोली थी, और बाद में इसको हिंदी की लोकोक्ति में यूज़ किया गया था। ये लाइनें निजामुद्दीन औलिया की हैं, और किसकी शायरी में मिलती हैं, ये शायरी में मिलती हैं किसकी, अमीर खुसरो की शायरी में। एक दिन पहले मैंने अभी हिंदी का चैप्टर बनाया था मॉक टेस्ट में, दिल्ली दूर होना, ठीक है, तो ये वाली लाइन थी, यहाँ से ली गई थी। तो उन्होंने कहा दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो गयासुद्दीन तुगलक वहाँ से चल रहे थे, रास्ते में उन्होंने अपना खेमा डाला, रात को इतनी तेज़ बरसात आई, तूफान आया, और निजामुद्दीन, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक वहीं मर गए। तो तब से कहा जाता है कि दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, उनके लिए दिल्ली बहुत दूर हो गई थी, ठीक है।
उन्होंने लास्ट ऐतिहासिक ग्रंथ तुगलक लिखा था, जो किनके काल में लिखा था, गयासुद्दीन तुगलक के। ये उस टाइम बंगाल के एक आक्रमण के समय गए हुए थे, वहाँ उन्होंने ग्रंथ लिखा था, इन्होंने अमीर खुसरो ने तुगलक, जिनका लास्ट ऐतिहासिक ग्रंथ था। ग्रंथ उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन लास्ट ग्रंथ तुगलक था जो पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है। फिर 1325 में इनका देहांत हो गया, किनका, अमीर खुसरो का, क्योंकि इनसे 6 महीने पहले निजामुद्दीन औलिया जी मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और ये बहुत दुखी हुए थे। इन्होंने प्रण ले लिया था ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का, मतलब मौन व्रत धारण कर लिया था और एक जगह समाधि लगा ली थी, और कुछ ही टाइम बाद इनका भी देहांत हो गया, किनका, अमीर खुसरो का, ठीक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, इनका एक क्वेश्चन आया कि कव्वाली शायरी का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो वो किन्हें कहा जाता है, अमीर खुसरो को, और खड़ी बोली का आविष्कार भी इन्हीं की देन है, ठीक है स्टूडेंट। और इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमुद्दीन, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ क्वेश्चन है। अब जो आंसर था वो क्या था, अलबरूनी था। मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था कि मोहम्मद गजनवी अपने साथ किसको लाए थे, अलबरूनी के साथ। तो अलबरूनी की कुछ फेमस बातें हैं। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी जो दो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया कि उनकी फेमस किताब क्या थी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये भी बहुत अच्छे कवि शायर थे, बहुत अच्छी बातें लिखी थी इन्होंने भी, ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा अच्छा लिखते थे ये भी। तो इनकी क्या हिस्ट्री है, एक बार ना ये रहने वाले थे, कहाँ थे, अफ़गान के थे, एक अफ़गान में एक जमा है ख्वाजिम, ठीक है, ख्वाजिम को जीत लिया था मोहम्मद गजनवी ने, तो ये भी वहाँ के रहने वाले थे, ये भी उनके ग़ुलाम बन गए। तो इनको जैसे ही राजदरबार में पेश किया गया ना, तो उनकी विद्या का ज्ञान देखकर, इनका जो बोलने का ढंग देखकर मोहम्मद गजनवी बहुत खुश हुए, तो उन्होंने इसको राज ज्योतिषी नियुक्त कर लिया और अपने साथ रखने लगे। उसी टाइम से ये कहाँ मोहम्मद गजनवी के एक दरबारी कवि कुछ मान लो कुछ बन गए, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, 14 ग्रंथ लिखे, जिसमें से इनका सबसे फेमस ग्रंथ कौन सा है, किताब उल हंद, 2-3 बार पूछ लिया एग्जाम से। और इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा अपनी भाषा में, तहकीक ए हिंद, इट मीन्स भारत का इतिहास, भारत का इतिहास कैसा हो। तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी इन्होंने भी। और राज तिरंगनी मैंने आपको कहा था, कलहन ने लिखी कश्मीर के राज्य के बारे में। और एक बात रह गई थी, इबन बतूता, जो भी क्वेश्चन में आया था, इबन बतूता ये भी बहुत अच्छे कवि थे, शायर थे, सब कुछ थे, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा मतलब लिखा। इन्होंने मक्का की टाइम, मक्का की जो यात्रा की थी मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है, इन्होंने 21 वर्ष की आयु में तय कर ली थी। उस मक्का की यात्राओं के दौरान इन्होंने इतने देशों की यात्रा की जहाँ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ दिया। बहुत से राज कवि इनसे इतने प्रभावित हुए, इनको कईयों ने तो काजी नियुक्त कर लिया अपने राजाओं अपने राज्य का, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए कि आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।